नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडार में, जिसमें कि हमारे सीरीज चल रही एक और वार्तालाप। और आज मैं आया हूँ एक और वार्तालाप करने दिल्ली के गंधर्व महाविद्यालय में, जिसमें कि आज हमारे साथ जो हमारे आज की शख्सियत है उनका नाम है संजीव कुमार ओझा, जो कि यहाँ पर संगीत सिखाते हैं और बहुत ही गुणी कलाकार हैं। उनसे जानेंगे उनके बारे में, पर सबसे पहले उनका मैं स्वागत करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सुजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि ये गंधर्व महाविद्यालय में अंदर आने की मेरी बहुत साल से इच्छा थी और आज ये मेरी इच्छा पूरी हुई आपकी वजह से कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और सबसे पहले, जैसे आप संगीत का कहीं से कोई ना कोई शुरुआत होती है, हर चीज़ की कहीं ना कहीं से कोई शुरुआत होती है, तो आपकी जो ये जर्नी है इसकी भी कहीं ना कहीं से कोई शुरुआत हुई होगी, तो आपके जीवन में क्या ऐसी घटना हुई है या कौन सा ऐसा पल है आपको अगर याद हो तो हमारे दर्शकों को बताइए कि शुरुआत कैसे हुई संगीत। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए गंधर्व महाविद्यालय में और मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे से कुछ बातचीत कर सकते हैं, बहुत खुशी है। आपने पूछा कि शुरुआत कैसे हुई मेरी, तो सबसे पहले मैं अपने गांव का जिक्र करूंगा। मेरे गांव का नाम बड़का सिंघनपुरा है, जो कि बिहार के बक्सर ज़िले में आता है। मेरा जन्म वहाँ हुआ और मेरे घर में संगीत का संस्कार रहा। मेरे दादाजी बहुत अच्छा गाते थे लोक संगीत, मेरे पिताजी, मेरे चचा जी, सभी लोग बहुत अच्छा गाते थे, लोक संगीत गाते थे, तो बचपन से वो कानों में संस्कार पड़ा संगीत का। और मेरे गांव में भी मैक्सिमम लोग गाते हैं, सभी लोग, पूरा गांव। एक हमारे बाबा के भी बाबा थे राम जी ओझा, वो बहुत अच्छे ध्रुपद गायक थे और ये सिलसिला चलता रहा। फिर बाबा का जींस कुछ मेरे में आया तो बचपन से गाता रहा और ये मेरी शुरुआत हुई बचपन से। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि आपको ये विरासत में मिला है संगीत, तो ये गलत नहीं होगा। जी जी। एक बात ये भी है कि जैसे आपने एक बात कही, आपको लोक संगीत या लोक गीत गाते हैं या लोक की बात कही, तो कुछ अगर आप अपने वहाँ का कुछ लोक हमें सुना दें, हमारे दर्शकों को सुनाएं तो बड़ा। जी जी। मैं जब छोटा था तो मेरे दादाजी एक बहुत अच्छा गीत गाया करते थे, मैं वो दो लाइन वो आपको सुनाता हूँ। उठ पिया जाग रे अकेली डर लागे, उठ पिया जाग रे अकेली डर लागे, वारे हो सैया वारे हो सैया नी भूलई हो चार, वारे हो सैया वारे हो सैया नी भूलई हो चार, दोनी भूतू ऐसे लई हो यो बन के उठ पिया जाग रे अकेली डर लागे। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको मतलब मुझे ये सुन के मतलब मैं कहीं और ही चला गया था, मतलब ये लोक गीत और लोक संगीत ऐसा होता है कि आपको रूहानी एक सुकून देता है, जब आप ये सुनते हो तो आपको रूहानी सुकून देता है। और यहाँ पे मैं आपसे जरूर ये चीज़ जरूर ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ पे हैं, आप सिखाते हैं तो गंधर्व महाविद्यालय में शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं, मतलब म्यूजिक बेस जो एकदम क्लासिकल होता है वो सिखाते हैं, पर जब हम छोटे होते हैं या मतलब जब हमारा म्यूजिक के प्रति रुझान होता है तो उस टाइप जैसे आपने लोकगीत गाया है जी, जी। और ऐसे मतलब ऐसे म्यूजिक की तरफ ज्यादा होता है ध्यान, तो उस क्योंकि उसमें हमें मजा ज्यादा आ रहा है और ये एक साधना होती है, और एक छोटे बच्चे के लिए उस तरफ से इस तरफ डाइवर्ट होना बहुत मुश्किल होता है, तो आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ उस तरफ से, मतलब लोक से आप क्लासिकल की तरफ कैसे आए, ये इस संगीत की शुरुआत कैसे हुई, मतलब क्योंकि आप जब छोटे रहे होगे तो। जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मुझे। जब आई थिंक मैं तीसरी चौथी क्लास में जब था तो तब गांव में रेडियो था बस, और कुछ था नहीं उस टाइम में,
तो एक शिवा का बीना का गीत माला कुछ ऐसे आता था, उस पे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आते थे, उसमें कई सारे गायक, उन गायकों का क्या नाम मुझे पता नहीं, बट वो मुझे वो राग अट्रैक्ट करते थे मुझे कि ये क्या हो रहा है, कुछ अच्छा अच्छा लगता था, लेकिन इसको कहाँ सीखते हैं, क्या करते हैं, इसका मुझे ज्ञान नहीं था। तो जो लोक संगीत चलता रहा मैं उसमें करता रहा। फिर जब मैं दसवीं क्लास में जब मैं बक्सर पढ़ने गया, अच्छा। तो वहाँ मुझे पता चला कि यहाँ पर एक शास्त्रीय संगीत के गुरु जी हैं, अच्छा। जिनका नाम श्री ओम प्रकाश राय जी है, अच्छा। तो मुझे बड़ी जोर से हुई इच्छा कि मैं जाके सीखूं। तब मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं जाके सीखूं, बड़ी मुश्किल से 100 रुपये महीने के हिसाब से वहाँ पर फी वो लेते थे, वो 100 रुपये इकट्ठा करना बहुत भारी काम था, अपने जेब से कुछ ना कुछ बचा के जोड़ के। तो मेरी सबसे पहली शिक्षा जो शुरू हुई, सारे गम पधन से क्या कहते हैं मुझे नहीं पता था, सन 91 या 92 में मेरी वो शुरुआत हुई, उनसे मेरी शुरुआत हुई सारे गम पधन सा। जो सुन लिया गा दिया, मैंने क्या गाया क्या नहीं गाया मुझे पता नहीं था, लोग कहते थे बहुत अच्छा गा रहे हो, लेकिन मुझे लगता पता नहीं क्या गा रहा, बस गा लेता था, सुन के कॉपी कर लेता था, एक तरीके से कॉपी करना, बस वो था, मुझे नहीं समझती, वैसे कोई नॉलेज नहीं, बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, जीरो। आपकी शुरुआत हुई, आपने बताया वो गुरुजी के साथ, गुरु जी से शुरुआत हुई मेरी। अच्छा, तो फिर उसके बाद बक्सर में ये कार्य, बक्सर में कब तक चला ये आपका संगीत का सफर? बक्सर में मेरा 1.5 से 2 साल मैंने वहाँ सीखा, फिर किसी कारणवश मेरे उन गुरु जी को बक्सर छोड़ के जाना पड़ा कहीं, गुरुजी को जाना पड़ा। लेकिन अब संगीत की भूख तो है कि भैया सीखना है, मतलब सीखना है, कहीं भी सीखना है। तो मेरी वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई भटकने की और गुरु की खोज की, तो वहाँ से मैं बक्सर से मैं गया गाजीपुर, मोहम्मदाबाद एक यूपी में जगह है, वहाँ मेरे एक संगीतिक गुरु तो नहीं मिले, उनसे संगीत नहीं सीखा मैंने, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, रमाकांत तिवारी, कांता गुरु के नाम से मशहूर है वो, सब उनको जानते हैं। बेसिकली शास्त्रीय संगीत ही सिखाते थे, लेकिन मैंने उनसे नहीं सीखा, क्योंकि जो मेरी पद्धति गाने की थी 2 साल जो मैंने सीखा, उस पद्धति को कंटिन्यू करने के लिए उस क्षेत्र में कोई नहीं था। तो लेकिन वो भूख थी सीखने की, कुमार गंधर्व, पंडित कुमार गंधर्व की परंपरा से मैंने वहाँ 2 साल सीखा। अब उस परंपरा को कौन सिखाएगा, आगे कौन बढ़ाएगा, तो वो सिलसिला शुरू हुआ। तो जो कांता गुरु जी ने, वो बहुत जगह ले गए मुझे, बहुत सारे गुरुओं के पास ले गए, लेकिन वहाँ सब ने कहा कि हम नहीं सिखा सकते, तुमको दिल्ली जाना पड़ेगा। और दिल्ली जाने की हमारी औकात थी नहीं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, घर बार छोड़ दिया था, घर वाले ढूंढते फिरे कि गया कहाँ। अच्छा, संगीत के लिए घर वाले घर छोड़ दिया नहीं, क्योंकि घर में संगीत का माहौल तो था, लेकिन ये कोई नहीं चाहता था कि मैं संगीतकार बनूं, ये बड़ी विडंबना थी मेरे घर में। संगीत सबको पसंद है, सब गाते हैं, लेकिन मैं इसी फील्ड में जाऊं ये कोई नहीं चाहता था। मैं कोई सरकारी नौकरी कर लूं, कुछ कर लूं, वो सब कुछ तो आर्थिक असुरक्षा थी। हाँ, घर वालों के जो मन में थी आर्थिक असुरक्षा, हाँ, कि पता नहीं क्या संगीत से क्या करेगा ये। और ये जायज भी था, उनका ये जायज था, क्योंकि कोई भविष्य नहीं दिख रहा था संगीत की, मैं क्या करेगा ये उस हिसाब से। तो फिर वहाँ से मेरी, तो वो कांता गुरु जी जो है मेरे, रमाकांत तिवारी जी, वो मेरे को सन 96 में, 96 या 97, एग्जैक्ट याद नहीं है, उन्होंने मेरे को वहाँ से मोहम्मदाबाद से हमने ट्रेन पकड़ी, ट्रेन के टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे, जनरल लिया टिकट, और उस टॉयलेट के डब्बे के पास ऐसे ऐसे बैठ के कैसे हम लोग फिर दिल्ली आए। फिर दिल्ली में आए, उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा से वो भी एक राजेंद्र प्रसन्ना जी के पास गए, वो उन्होंने लेटर लिखा भैया जी के नाम से, मधुब जी के नाम से, फिर मैं यहाँ आया और फिर यहाँ मेरा दाखिला हुआ। अच्छा, 96 में आपका गंधर्व महाविद्यालय में दाखिला हुआ। अच्छा, गंधर्व महाविद्यालय से पहले तक का ये सारा सफर, ये सब सफर रहा मेरा। सुनील जी, ये आपका सफर अभी तक का जो था, ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे जी, और थोड़ा एक्साइटिंग भी था कि एक बच्चा जो जिसे घर में म्यूजिक का माहौल मिल रहा है, बट मतलब ये विडंबना ही कहेंगे इस बात को कि वो म्यूजिक के लिए उसके घर वाले उसको मतलब आगे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या मतलब या उनके मन में जो आर्थिक असुरक्षा है वो भी लाजमी है। अच्छा, तो ये तो आपकी
सफर हो गया यहाँ तक का, कि दिल्ली तक आप कैसे कैसे पहुँचे। तो यहाँ पर आगे बात बढ़ाने से पहले मैं ये जरूर चाहूँगा कि कुछ अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाएं तो। जी, मैं एक राग तोड़ी की एक छोटी सी बंदी से जो मैंने लिखने का प्रयास किया है, कंपोज करने का, मैं सुनाता हूँ। कागा जा रे जा पिया के संदेश वाला, कागा जा रे जा रे जा रे पिया मिलन की आस लगी है, पिया मिलन की आस लगी है, तड़पत ही अरा सेज सजी है, मोर जीजा घबरा, कागा जा रे जी, सत्य बात, जंग का मैदान, सीट नहीं मिली थी, हम बक्से में बैठ के आए थे। यूपी से और बिहार से या उस तरफ से जो ट्रेनें आती हैं, वो जो लोग आते हैं उनको पता होगा कि वो एक जंग का मैदान ही होता है। पर मैं वहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब वो बच्चा वहाँ बैठा था, तो उस बच्चे ने कभी ये सोचा था कि वो मतलब और आगे बढ़ेगा, या मतलब उसके दिमाग में क्या था उस टाइम, उस बच्चे के दिमाग में क्या था? और आपका जो जब आप दिल्ली पहुँचे, तो ये सफ़र आपका दिल्ली का आगे कैसे बढ़ा, दिल्ली मतलब म्यूज़िक का? देखिए, ये तो एक सपना तो था कि मैं उस मकाम तक मुझे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कब पहुंचूंगा ये नहीं पता था, लेकिन मन में थी कि गोल मेरा वो है, मुझे पहुंचना है। और यहाँ जब मैं मेरा दाखिला हुआ, पंडित जो मधुप मुदगल जी भैया जी जिसे सब उनको जानते हैं, वो मुझे मिले और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे पास किया, और उन्होंने कहा कि तुम सीखो। सबसे बड़ा धन्यवाद इस महाविद्यालय का या उनका, कि मेरी फ़ी माफ़ कर दी, क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं कि मैं पैसे दूँ। उनको कहा कि मुझे सीखना है और मैं फ़ी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे आप जो सेवा बोलोगे यहाँ करने के लिए मैं करूँगा, लेकिन बस मुझे संगीत सीखना है। तो उनके मन में क्या मेरे प्रति भाव आया, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर सीखिए। तो हर क्लासेस में सीखता रहा, कुछ समय सीखा, तो हर क्लास में जाता था, लेकिन वो मेरी तो भूख थी कि जो पंडित कुमार गंधर्व जी के शिष्य हैं, पंडित मधु मुदगल भैया जी, हम वहाँ सीखना चाहते थे, लालच था कि हम वहाँ से सीखें, बट वो मना करते थे, कभी नहीं सिखाऊंगा, जब सिखाना होगा मैं बुला लूँगा तुमको। तो इस बीच मुझे यहाँ पर सबसे जो पहले यहाँ मैं विद्यालय में श्री पीताम्बर पांडे जो आज भी सिखाते हैं, उनकी क्लास में सीखा साल भर। उसके बाद मोहन मेहतोलिया जी मिले एक,
उनके पास भी रहा। तब मेरे रहने के लिए घर नहीं था, ठिकाना नहीं था, तो वो अपने घर में उन्होंने मुझे रखा। आज भी उनके घर में सुजीत का कमरा ही मेरा, मतलब वो कमरे का नाम ही सुजीत का कमरा है। तो 250 रुपये किराया तब देता था मैं उस कमरे का, और वहीं उसी में 250 में रहता भी था, खिलाते भी थे मुझे, प्रैक्टिस भी करवाते थे, साथ ले आते भी थे। तो उनका भी बहुत मोहन मेहतोली जी का इसमें है हाथ है, जो योगदान है। फिर यहाँ विद्यालय में धर्मपाल जी एक हैं, श्री धर्मपाल जी, डीपी भैया के नाम से मैं उनको डीपी भैया मैं वो बोलता हूँ, उनसे भी बहुत कुछ संगीत के लिए मुझे मिला। और उन्हीं की क्लास में जब मैं सीखता था तब भैया जी ने मतलब कृपा की और मुझे बुलाया कि अब मेरे पास तुम आके सीख सकते हो। उसके बाद भैया जी से मेरी संगीत की शिक्षा शुरू हुई और आज तक चल रही है। आज भी कभी कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो गुरु के शरण में चले जाते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई तो सहारा नहीं है। अंत में कोई भी है तो गुरु ही है, और उन्हीं की बदौलत जो भी हूँ मैं आज वो इस मकाम पर। उन सभी गुरुओं का धन्यवाद है, जिन जिन से मैंने जो भी मैंने किया सीखा उन सबका धन्यवाद है। अच्छा, जैसे आप सीख रहे थे और सीख लिया आपने, सीख रहे हो, सीखना तो एक जर्नी है, वो तो चलती रहती है, पर आपका स्टेज परफॉर्मेंस, कोई पहला स्टेज परफॉर्मेंस अगर आपको याद हो तो क्या एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, क्या कैसे थे? बेसिकली देखिए, स्टेज परफॉर्मेंस तो बहुत सारा हुआ, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो एक मिलना चाहिए, संतुष्टि, वो मुझे बहुत बाद में मिली। अच्छा। बहुत बाद में, यानी अभी कुछ सालों से देखा जाए तो। क्योंकि जो अपने मन की जब आदमी करने लगता है ना, तो फिर संतुष्टि तब मिलती है कि जो मैंने चाहा वो किया। यदि मान लीजिए मैं मोहम्मद रफ़ी के गाने गाऊं, मुकेश के गाने गाऊं, वही गाता रहूं, और किस दिन मैंने खुद अपना बनाया और खुद जिस दिन पहला गाया वो मेरे लिए पहला परफॉर्मेंस है। अच्छा। देखा जाए तो जो मेरी है सोच कि वो अभी कॉपी कर रहे थे, जो भी हाँ कॉपी कर रहे थे, कॉपी था कि सेम चीज मैंने सुना दिया और लोगों को पसंद आया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी। मुझे संतुष्टि तब मिली जब मैंने अपना खुद का बनाया हुआ सारी चीजें, मैं बेसिकली सारे ओल्ड पोएट्स जितने हैं, कबीर, सूर, मीरा, तुलसी, उन सबके पदों को कंपोज करता हूँ और गाता हूँ। तो यदि सबसे पहला मेरा जो है, तो अभी अभी देहरादून में जो दिल्ली विरासत, जो विरासत का कार्यक्रम होता है वहाँ वो किया मैंने, गाया, तो वहाँ मैंने स्वतंत्रता से पहली बार बहुत बड़ा स्टेज मुझे मिला जो मैंने कभी नहीं देखा। फिर त्रिवेणी कला संगम में हुआ, गाया, फिर ऐसे सिलसिला शुरू हुआ मेरा गाने का। अच्छा, तो कुछ उसमें से कुछ हमारे दर्शकों को भी सुनाइए, जो जिससे आप खुद सेटिस्फाई हैं वो कुछ हमारे दर्शकों को भी सुनाइए वैसा कुछ। जी, मैं एक कबीर का दो लाइन आपको सुनाता हूँ। प्रीत बहुत संसार में नाना विधि की सोच, प्रीत बहुत संसार में नाना विधि की सोच, साची प्रीत को मानिए जो साहेब से हो, जो साहेब से हो, मन रे कर ले साहेब से प्रीत, मन रे कर ले साहेब से प्रीत, शरण आए सो सब ही उबरे, शरण आए सो सब ही उबरे, ऐसी उनकी रीत रे, हाँ ऐसी उनकी रीत रे, मन रे कर ले साहेब से प्रीत। बहुत सॉरी सुनील जी, गाना आपका, मतलब ये जो आपकी बंदिश थी बहुत अच्छी लगी मुझे, सॉरी गाना होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आवाज़ आपकी, मैं क्या कहूँ आवाज़ की, तो कोई मतलब मैं कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं। बट मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ ये जरूर जानना चाहूँगा कि
देखिए संगीत में जब आप होते हो या इस जर्नी में, जिस जर्नी में आप हो, कला की जर्नी में जब आप होते हो, तो अचीवमेंट्स आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी बड़ी अचीवमेंट है, कौन सी छोटी अचीवमेंट है, किसी भी चीज़ को अचीवमेंट्स आप वैसे नहीं कह सकते। बट फिर भी कभी ना कभी कलाकार कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में ऐसा पल होता है जहाँ उसे लगता है कि हाँ, जो उसने संगीत दिया, जो भी उसने सीखा है म्यूजिक के लिए किया है, या डांस वालों का जो डांस करते हैं, मतलब कोई जो भी मैं इतने साल से जो तपस्या कर रहा था उसका फल मुझे आज मिला है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक पल आया होगा जब आपको लगा कि हाँ, ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, कुछ ऐसा? ये देखिए बहुत कठिन सवाल है ये तो। अचीवमेंट्स, सम्मान, ये हर दिन कहीं ना कहीं मिलता है। लोग कोई अच्छा गाया तो कुछ वाहवाही मिल गई, बट जो एक सम्मान मिलता है, जैसे कोई कुछ सम्मान मिला, अवार्ड मिला, वो आपको ये दर्शाता है कि आप जिस राह में चल रहे हैं वो सही राह है। आपको ये सम्मानित किया गया कि आप और इस सम्मान से आगे बढ़िए, तभी तो धीरे धीरे सम्मान होता है। हाँ, उस हिसाब से तो सबसे पहले मुझे जो सम्मानित किया गया वो आर्य रत्न से सम्मानित किया गया। अच्छा। फिर मेरी शुरुआत, फिर दिल्ली जब आया तो संगीत साधक सम्मान से सम्मानित किया गया, फिर बाबा अलाउद्दीन खान सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ऐसे सम्मान मिलते गए, लेकिन वो भूख अभी सम्मान की खत्म नहीं हुई कि मुझे और अच्छा करना है और बढ़ना है। बट एक पल जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि जिस दिन मेरे गुरु ने कहा मेरे प्रोग्राम के बाद, और मेरे गुरु ने वो पूरा प्रोग्राम सुना, वो दिन नहीं मैं भूल सकता। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और उन्होंने कहा कि ओझा, तुमने बहुत अच्छा किया और कुछ अलग किया तुमने, इसकी खुशी है कि जो चीज़ तुमने बनाई और जो राह एक लेकर चल रहे हो वो एक अलग सी राह है, और लगे रहो, तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है, सबकी तारीफ उन्होंने की। तो मेरे को बड़ी आनंद आया और मुझे लगा कि हमें अब यहाँ से मुझे और आगे की तरफ बढ़ना है। तो उनका बहुत आशीर्वाद रहा। तो सबसे बड़ा सम्मान मेरे लिए वही है, जो गुरु की वाणी से मेरे को वो आशीर्वाद मिला, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान। ये तो मतलब आपने बहुत सही बात कही कि आप उस एक पल के लिए, आप उस एक पल में मतलब सारे जो जितने भी आपको सम्मान मिले हैं, जितना मतलब लोग हो गए, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है, रिकॉग्निशन जो होते हैं वो सारी व्यर्थ है जब तक गुरु प्रसन्न नहीं है। गुरु का आशीर्वाद है, मतलब आप कहीं भी रहिए वो आपको बाय डिफॉल्ट आशीर्वाद उसका जाता रहता है। जी सुजीत जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत मतलब ये जो हमारा सफ़र चल रहा है, ये बातचीत का जो सिलसिला चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें डीजे भी, संगीत भी है, और बहुत मतलब मन तो नहीं कर रहा है इस चीज़ को समापन करने का, बट फिर भी हमारे पास भी कुछ समय की पाबंदियाँ हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस जो कार्यक्रम है इसका जो समापन है वो भी कुछ हमें सुना कर करें। और उससे पहले अपने देखने वाले दर्शकों को जरूर ये कहूँगा कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे कोई कलाकारों को आप तक ला सकें और उनके जीवन के अनुभव साझा कर सकें। तो सुजीत जी, अब आपके हाथ में स्टेज। जी जी, थैंक यू। मैं एक तुलसीदास का पद है वो है, मैं थोड़ा सा सुना रहा हूँ। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रव दीन पर, बिन सेवा जो द्रव दीन पर, नाम सरिस पोहु नाही, नाम सरिस पोहु नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग, को उदार जग, को उदार जग माही। धन्यवाद।